आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा थ्री थिंग्स दैट आई विश आई वुड न्यू व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 28 इयर्स ओल्ड नाउ और पिछले 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी गलतियां की, बहुत सी अच्छी चीज़ें की और ये मैं अपना एक्सपीरियंस है जो कि आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। फ्री ज्ञान बांट रहा हूँ, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाने दो। वेल लेट्स डाइव इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को अभी दबाएँ ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक फौरन पहुँच सके। वेल नंबर वन थिंग दैट विश आई वुड न्यू व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। भाई लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग फैक्टर उस चीज़ को कहा जाता है जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल कर रही होती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आसानी से समझाने के लिए। होता इस तरीके से कि हम इंसान जो हैं या तो एक्शन करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या तो किसी चीज़ का रिएक्शन देते हैं। अब वो एक्शन और रिएक्शन के पीछे जो चीज़ हमें, जो मोटिवेशन हमें रन कर रही होती है वो होता है हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर। जब हम जवान होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं तो हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो दूसरे लोगों के हाथ में होता है। किसी ने आपको कुछ कह के गुस्सा दिला दिया, आप उस गुस्से में आके फौरन रिएक्ट करते हैं। किसी ने आपको डीमोरलाइज या डीमोटिवेट कर दिया तो आप फौरन डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इसका एक बरक्स कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपकी ही असलियत बता रहे होते हैं जो कि आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट करने समझने लग जाते हैं और ये अक्सर आपको नुकसान भी पहुँचाता है। तो आई थिंक अगर मुझे ये चीज़ आज से 10 साल पहले पता होती तो मैं शायद एक बहुत ही बड़े हादसे से बच पाता। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब मैं 18 साल का था, मुझे गाड़ी चलाने का, गाड़ियों का तो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मैंने तकरीबन 13-14 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख ली थी। रात को जब मेरे वालिद साहब सो जाते थे तो मैं रात के देर गए उनकी गाड़ी लेके निकल जाता था, सड़कों पर घुमाता था, अपने दोस्तों को अपने साथ घुमाता था। मेरे जो दोस्त थे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, आई रियली एडमायर देम, वो आज भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल 18 साल की उम्र में मेरे अपने दोस्तों के हाथ में था जो कि मुझे ये बताते थे कि यार यू आर एन एक्सेलेंट ड्राइवर, तुम्हारी जो ड्राइविंग स्किल है ना भाई वो माइकल शूमेकर से कम नहीं है। और उसकी मैंने एक दो दफ़ा उनके कहने में आके उनके बढ़ाए चढ़ाए जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि मैंने उसकी उनको नुमाइश भी कराई। जब मैंने शराय फैसल के ऊपर कराची की वो वाहिद वाइट वाली RX-8 को कुत्ते की तरह रेस हराई फुल ट्रैफिक के अंदर, जहाँ पे उस बंदे ने भी गाड़ी रोक के मुझे बताया कि बॉस तू एक बहुत टाइट ड्राइवर है। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था मैं अपनी ड्राइविंग को लेकर कि जो हुआ वो तो होना ही था। एक रात जब मेरे वालदैन सो चुके थे, घर वाले सब सो रहे थे, तो मैं चुपके से रोज़ाना की तरह उनकी गाड़ी लेकर निकला। अपने तीन दोस्त जो इत्तेफाक से वो तीनों अपने वालदैन के एक एक लौते बेटे थे, उन तीनों को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और ड्रिंक पीने के बहाने उन्हें अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाने सड़कों पर लॉन्ग ड्राइव पर हम लोग निकल गए। अब्बा की गाड़ी होती थी, उनका फ्यूल कार्ड होता था, फ्यूल भरा और घूमते फिरते रहे। खैर वो रात 5 मई 2012, उस रात कुछ इस तरीके से हुआ कि हम चार लड़के गाड़ी पे जा रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यार मुझसे बेहतरीन तो ड्राइवर कोई है ही नहीं, मैं तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ। उस रात मेरी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आया। अब मेरे कुछ दोस्तों का तो ये भी कहना था जो मेरे साथ मौजूद थे, जाहिर बात है कि वो कोई कुत्ता नहीं, वो वाइट कलर की कोई चीज़ थी। वेल एज मच एज आई रिमेंबर वो एक वाइट कलर का कुत्ता था। जब मेरे सामने वो कुत्ता आया, मैंने गाड़ी बिछाने के लिए गाड़ी को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर टर्न किया, लेफ़्ट साइड पर गाड़ी मेरी गटर से हिट हुई और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, अराउंड 160 to 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर गाड़ी थी, गाड़ी का लेफ़्ट साइड का फ्रंट व्हील टूट गया। जब वो व्हील टूटा तो गाड़ी मेरी एक साइड के ऊपर रोल हुई, इट रोल्ड अराउंड 2 to 3 टाइम्स, फिर तकरीबन 500 से 600 मीटर दूर जाके गाड़ी रुकी और उस टाइम मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि नो,
एवरीबडी वॉज रॉन्ग, एवरी वन कैन स्क्रू अप, और मैं अपनी जिंदगी में वो स्क्रू अप उस वक्त कर चुका था। वो गाड़ी रुकते ही जब मैं कलमा पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि यू नो दैट्स द प्रॉब्ली द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इज एवरी वन अलाइव, और अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल सर्वाइव दैट हॉरिफिक क्रैश। और उस दिन मैंने ये लेसन लर्न किया कि आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो आपके अंदर होना चाहिए। आप क्या करने की कैपेबिलिटी रखते हो और आप क्या करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हो, ये आपको आप ही बेहतर बता सकते हो, आपका कोई दोस्त या आपका कोई अजीज नहीं बता सकता। आप कितने ज़्यादा अच्छे हो या कितने ज़्यादा बुरे हो, ये भी आपको खुद ही बताना पड़ता है। किस चीज़ पे रिएक्शन देना है, किस चीज़ पे रिएक्शन नहीं देना है, कहाँ पे एक्शन लेना है, कहाँ पे एक्शन नहीं लेना है, ये भी बात आप अपने आप को खुद ही बता सकते हो, कोई और ये बात नहीं बता सकता। सो ये तो था लेसन नंबर वन। लेसन नंबर टू, जो आई विश आई वुड न्यू 10 ईयर्स अगो, सो दैट वुड हैव हेल्प मी टू मेक राइट डिसीजंस इन माई लाइफ। लेसन नंबर टू इज़ फैमिली बिफोर एनी वन एल्स। जब हम यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, और हम बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, काफ़ी वो चीज़ें जो हमारे घर वाले नहीं चाहते कि हम वो चीज़ें एक्सप्लोर करें, उनको लगता है कि हम अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन रियलिटी इज़ व्हेन यू लिव इन पाकिस्तान, व्हेन यू आर 13-14 ईयर्स ओल्ड, यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स जो आपकी फैमिली आपसे डिस्कस नहीं करती, जो टैबू टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी फैमिली आपसे बात नहीं करती, तो आप वो अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हो बिकॉज दे आर इन द सेम कैटेगरी। वो एक ऐसा टाइम आता है हमारी ज़िंदगी पे कि हमें लगने लगता है कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा मुखलिस हैं, हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं रादर देन हमारे फैमिली मेम्बर्स। और यू नो पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी सोबर ठीक नहीं है, एंड ही इज़ एक्सप्लोरिंग थिंग्स, ही इज़ डिस्कवरिंग थिंग्स। आपके पेरेंट्स आपको अक्सर उन चीज़ों से रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन हम, क्योंकि हम काफ़ी इमेच्योर होते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार, ये हमारी फैमिली जो है ना, ये हमारा बुरा ही चाहते हैं। असल में मेरे दोस्त हैं जो मेरे अजीज़ हैं, मेरे करीब हैं, मेरे यू नो काम आएंगे। लेकिन जब आप किसी ट्रबल में फंस जाते हो, तब आप अपने आप को सबसे पहले अकेला महसूस करते हो, और उसके बाद जो सबसे पहला हाथ आपकी तरफ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, वो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स का होता है। अभी मैं अपने एक्सीडेंट की ही एग्जांपल दूं कि रात के 3 बजे जब हम लोग रोड पे खड़े हुए थे, गाड़ी तबाह हो चुकी थी, टोटल लॉस गाड़ी हो चुकी थी, एंड वी हैड नो वे टू गो बैक होम। गाड़ी की वो हालत ही नहीं थी कि हम गाड़ी चुपके से बनवा के घर ले जाके खड़ी कर देते, और यू नो देर वॉज नो वन टू हेल्प अस आउट। हम मेरे जो 3 दोस्त थे, दे गेव अप, दे वर लाइक, वो अपनी फैमिली को उस वक्त वहाँ पे कॉल करके नहीं बुलवा सकते थे, और उनकी फैमिली आके कर भी कह लेती, लॉस तो मेरा हुआ था, मेरी फैमिली का हुआ था, और अगर कोई जानी नुकसान भी हो जाता तो वो भी मेरी जिम्मेदारी बनता, क्योंकि वो मैं था जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी मेरे से बिलोंग करती थी, और वो मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल था जो मैंने अपने दोस्तों के हाथ में दिया हुआ था। वेल आई रियलाइज ऑन दैट ओकेजन कि वन यू आर इन ट्रबल, आपकी फैमिली है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तीसरी चीज़ है ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। हम जब छोटे होते हैं ना, तो हम अपनी खुशी को मटेरियलिस्ट चीज़ों से जोड़ने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जब मेरे पास ये गाड़ी होगी तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, जब मैं इतने पैसे कमा रहा हूँगा तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान अपने आप को महसूस करूँगा, जब मैं ऐसे टॉप फ्लोर पे एक पेंट हाउस में रह रहा हूँगा वो मेरा बहुत बड़ी ज़िंदगी की अचीवमेंट होगी। जब वो चीज़ें आपको हासिल हो जाती हैं और फिर ज़िंदगी आपको टेस्ट करती है, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि मटीरियल कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस विच योर गुड रिलेशनशिप्स कैन डू। अपनी खुशी को रिलेशनशिप्स के ऊपर मत जोड़ो। आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ। वन द डे आई वॉज लिविंग इन अ वेरी नाइस टॉप फ्लोर हाउस, आई वॉज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, एंड आई वॉज ड्राइविंग अ कार दैट आई लव्ड अ लॉट। दैट्स वन लाइफ टेस्टेड मी। आई फाउंड आउट दैट माई मदर डज नॉट हैव इनफ टाइम, मेरी मदर की ज़्यादा जिंदगी नहीं बची थी, एंड आई हैड टू पिक के या तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहूं, अपनी नौकरी करता रहूं, अपनी अपने मटेरियल के साथ जुड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारता रहूं, या
COVID-19 की एक ऐसी सिचुएशन में जब मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर तो जा सकता था लेकिन मुझे नहीं पता था मैं वापस कब आऊँगा, उस सिचुएशन में मैं सब अपना घर, अपनी जॉब, अपनी वो सारी मटीरियलिस्ट चीज़ें जो मैं जमा करता रहा था, जो मुझे खुशी दे रही थी, मैं उन सब को छोड़ के पाकिस्तान चला जाऊँ फॉर द सेक ऑफ बींग विद माई मदर इन हर लास्ट डेज। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि मटीरियल आपको शॉर्ट टर्म खुशी देता है। ऑन द डिसीजन जब आज मेरी मदर मुझे छोड़ के जा चुकी हैं एंड आई मेड अ वेरी डिफिकल्ट कॉल इन माई लाइफ, आई लेफ्ट प्रिटी मच एवरी थिंग एंड आई वेंट ओवरसीज, बट अल्हम्दुलिल्लाह माई एम्प्लॉयर वर्क प्रिटी गुड, उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दी, सो द टाइम ड्यूरेशन आई वॉज लिविंग इन पाकिस्तान आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, बट दैट वॉज द ब्लेसिंग दैट अल्लाह सुबहाना व ताला गेव मी, दैट उसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं था, बट मैं ये डिसीजन ले चुका था दैट इवन इफ आई हैड टू क्विट द जॉब जिसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, इतनी तालीम हासिल करनी पड़ी, मैं वो सब कुछ दांव पे लगा के अपना डिसीजन ले चुका था कि मटेरियल कैन नॉट गिव मी द ट्रू हैप्पीनेस। इसी तरीके से आपको भी लाइफ टेस्ट करेगी जब आप वो सारी चीज़ें हासिल कर चुके होंगे जो कि आप जिनसे आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, तब जिंदगी आपको टेस्ट करेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दैट इज़ द टाइम यू हैव टू मेक द राइट कॉल, यू हैव टू टेक द डिफिकल्ट पाथ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा सो यू कैन गेट द लॉन्गेस्ट लास्टिंग हैप्पीनेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें मेक सेंस की होंगी, आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आप अभी यंग एज में हैं, आप सही डिसीजन लेने के काबिल होंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक आने वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट ऑरेंज के ब्लॉग्स।